नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार केस में 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई है। इस फैसले के बाद उनके बेटे और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एजेंसियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या देश में चारा घोटाले के अलावा कोई और स्कैम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा, चारा घोटाले के अलावा क्या देश में कुछ और नहीं हुआ था? अकेले बिहार में ही करीब 80 स्कैम हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए आखिर कहां है? विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के एक 23 वर्षीय कार्यकर्ता की रविवार देर रात जान ले ली गई, जिसके बाद पूरे राज्य में तनाव का माहौल है। कर्नाटक के शिवमोग्गा में तनाव के बीच शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही समाजवादी पार्टी सपा ने देवरिया जिले के 7 विधानसभा सीटों पर इस बार एक भी यादव प्रत्याशी न उतार कर एक नए समीकरण को जन्म दिया है। देवरिया में सपा ने अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए इस चुनाव में ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के गैर यादव मतदाताओं को साधने की कोशिश में ये प्रयोग किया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का दोषी पाया। सजा के बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि वो हरा नहीं सकते, इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। लालू यादव ने लिखा, अन्याय असमानता से तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, डालकर आंखों में आंखें। सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान कर देने के बाद अब 3 लोकसभा सीटों पर कश्मकश की स्थिति पैदा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा संकट की स्थिति खजुराहो और भोपाल लोकसभा सीट के मौजूदा सांसदों के लिए पैदा हो सकती है, क्योंकि खजुराहो भारती का पसंदीदा और स्थानीय है, तो भोपाल में प्रज्ञा सिंह को कट्टरवादी छवि के लिए दिग्विजय सिंह के सामने उतारा गया था। ऐसे में उमा भारती ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। यूपी में तीसरे चरण के मतदान के खत्म होने के साथ ही सियासी दलों के दिग्गज स्टार प्रचारकों ने चौथे और पांचवें चरण के मतदान के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। सोमवार को ही बसपा सुप्रीमो मायावती की सभी केपी कॉलेज मैदान में देखने को मिली। गृहमंत्री अमित शाह पीलीभीत और सीतापुर और बाराबंकी में जनसभा करते देखे गए। शाम को वाराणसी में बैठक भी उन्होंने की। सीएम योगी हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में देखने को मिले और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शहर में 3 जगह सभा करती हुई देखी गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करछन्ना, शंकरगढ़ में सभा और इलाहाबाद उत्तरी में घर घर प्रचार करते देखे गए। पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है। गुवाहाटी के सरानिया आश्रम में उनकी देखभाल करने वाले लोगों ने बताया कि उनका पिछले 10 वर्षों से इलाज चल रहा था और रविवार रात को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। वो दशकों से इसी आश्रम में रह रही थी। उन्होंने बताया कि उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में रखा गया और उनका अंतिम संस्कार सोमवार को नवगृह शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर तंज कसा है। भाजपा ने सोमवार को कहा है कि सीएम राव ने राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने के लिए ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि अपने 5 साल ऐसी सरकार देखी है जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव को लौट गए थे। महामारी से पहले के समय से तुलना करें तो लॉकडाउन के बाद MGNREGS के तहत रोजगार में खासा इजाफा हुआ है। जिन 4 राज्यों में लोग सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, उन राज्यों में रोजगार योजना के तहत खर्च बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ था, अब तक 94,994 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 20,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट में इसकी पूर्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी जंग को 80 बनाम 20 फीसदी की लड़ाई बताई है, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि यह चुनाव हिंदू मुस्लिम अथवा यादव का नहीं। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अमित शाह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि यह चुनाव हिंदू मुस्लिम अथवा यादव को लेकर है। योगी जी ने शायद वोट प्रतिशत की बात की थी, हिंदू अथवा मुस्लिम की बात नहीं की थी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में भी इन दिनों विवाद देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से पार्टी की अंदरूनी कलह बाहर आने लगी है। अब ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नेशनल वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक बुलाई है। पहली बैठक शुक्रवार को हुई थी। ममता बनर्जी अब 2024 के आम चुनाव पर फोकस करना चाहती है और देश भर में पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इस बार वो गोवा में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है।
अमेरिकी कंपनी अमेज़न और भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच चल रही जंग में एक नया मोर्चा खोलने जा रहा है। दोनों कंपनियां अब क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हैं। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अमेरिकी कंपनी अमेज़न का मुकाबला अब नए स्तर पर देखने को मिल गया है। कई क्षेत्रों में संघर्षरत ये दोनों कंपनियां अब क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। दोनों कंपनियां भारत में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी अधिकारों को लेकर आमने सामने होंगी। देश में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 16,051 से कम मामले सामने आए हैं और 206 मरीजों की जान चली गई है। इस दौरान 37,901 लोग ठीक हुए हैं, जिससे अब तक रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,21,24,284 पर पहुंच गई है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.33% है। इस समय कोरोना के 2,02,131 एक्टिव केस है, जिसकी दर 0.47% है। रविवार को देश भर में 8,31,087 कोरोना टेस्ट हुए। रूस और यूक्रेन विवाद में अब जानकारों की कहीं भी बात सही साबित होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के अखबार यूक्रेन पर विद्रोहियों के हमले से पटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उनके सहयोगी देश अब तक कोई भी ऐसा कदम उठाते दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसा कि उनकी तरफ से पहले कहा जा रहा था। अब तक भी अमेरिका की तरफ से केवल यही कहा जा रहा है कि रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पूरी दुनिया में मदद लेने का कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान अब भारत से व्यापार संबंध बहाल करने का सपना देख रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद अब चाहते हैं कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को बहाल किया जाए। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से भारत से पाकिस्तान ने व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए थे। दो दिन बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सांसें अटकी हुई हैं। उनको इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में ना डाल दे। हालांकि इस समय पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। भारत के खिलाफ इसी हफ्ते से शुरू होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए श्रीलंका ने अपनी टीम घोषित कर दी है। सोमवार को श्रीलंका की तरफ से 18 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। दसुन शनाका को टीम की कमान दी गई है, जबकि चरित असलंका को उपकप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में ऊंची बोली हासिल करने वाले मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्ण और बिनंदु हरसरंगा को भी टीम में शामिल किया गया है। हिजाब विवाद ने पूरे देश को जकड़ लिया है। कर्नाटक के शिवमोंगा से शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी की आग एक एक करके सारे राज्य में फैल गई है। बॉलीवुड भी इसे छूता नहीं है। बिग बॉस 11 में नजर आ चुकी मजहबी सिद्दीकी ने सबको ये कहकर चौंका दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री को इस्लाम के लिए छोड़ रही है। मजहबी सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि वो अब से हमेशा हिजाब पे रहेंगी। इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए मजहबी ने अपनी बात सामने रखी और कहा है कि अब वो अल्लाह के रास्ते पर ही चलना चाहेंगी। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ थाना सिटी 1 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रविवार देर रात केस दर्ज किया गया। जिस इंडेवर कार में सोनू सूद को पर्यवेक्षक के निर्देश पर पुलिस ने रोका था, उसको इंपाउंड कर दिया गया है। SDM सतवंत सिंह ने बताया है कि ये कार्रवाई पर्यवेक्षक के आदेश पर सीधे SSP के स्तर पर हुई है। उन्होंने गाड़ी इंपाउंड नहीं कराई है। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने 5 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। हालांकि अभी सिद्धू ने चिट्ठी पर साइन तो नहीं किया। पार्टी इन पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। जिन पार्षदों पर कार्रवाई की जाएगी उनमें वार्ड नंबर 47 से जतिंदर सोनिया, वार्ड नंबर 47 से लाडो पहलवान, वार्ड नंबर 24 से राजेंद्र सैनी, वार्ड नंबर 32 से राजेश मदान और वार्ड नंबर 18 के पार्षद संदीप कुमार शामिल है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार के आदेश का सक्रिय हिस्सा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए संस्थानों पर छोड़ देता है। महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार का आदेश संस्थानों को वर्दी तय करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता देता है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। घरेलू ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने पेटीएम स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। पेटीएम का शेयर पिछले साल नवंबर में शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद से ये करीब 48% टूट चुका है। वहीं सालाना आधार पर यह शेयर 2022 में 39% गिर चुका है। वैल्यूएशन संबंधी चिंताओं का असर शेयरों पर हुआ है। ICICI सिक्योरिटीज ने अब पेटीएम पर 1352 रुपए के लक्ष्य के साथ बाई रेटिंग दी है। मौजूदा स्तर से शेयरों में 64% की तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटे के दौरान 12.73% की बढ़ोतरी के साथ 2.09 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि ट्रेंडिंग वॉल्यूम करीब 48.54% के उछाल के साथ 81.32 अरब डॉलर हो गई है। जहां डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 24 घंटे की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम के 11.87% के साथ 9.65 अरब डॉलर पर रही है।
वहीं स्टेबल कॉइन्स इसके 78.06% के लिए 63.47 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। बिटकॉइन के बाजार में मौजूदगी 0.85% की गिरावट के साथ 41.31% पर पहुंच गई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रही है। इस वजह से राजस्थान के उत्तरी इलाके के साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और इससे बनने वाली चक्रवाती हवा की वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश होने की संभावना है। कभी कभी कुछ ऐसी हैरतअंगेज कर देने वाली घटनाएं घटती हैं कि बस मुंह से वाह ही निकलता है। ऐसा ही एक वाकया कर्नाटक के चिकबल्लापुर में घटा, जब भारतीय सेना और पुलिस की जांबाजी ने एक 19 साल के लड़के की जान बचाई। जानकारी के अनुसार एक 19 वर्षीय छात्र नंदी हिल्स के चट्टानी रास्ते से फिसलकर 300 फीट नीचे गिर गया। तब भारतीय वायुसेना और चिकबल्लापुर की पुलिस ने उसकी मदद की। यूक्रेन और रूस में जारी तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और उन्हें देश छोड़ने को कहा है। बता दें कि यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। करीब 20,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, जिनमें कई छात्र भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। शाह ने संबोधन के दौरान अपना चश्मा उतारा और अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार किया। यूपी में 3 चरणों में मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान सियासी बयानबाजी भी काफी तीखी हो गई और नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यूपी में कल तीसरे चरण के लिए चुनाव संपन्न हो गया, जिसके साथ ही अब चौथे चरण के लिए मतदान होने वाले हैं। इस बीच सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार करने में लगी है। इस फेज में अयोध्या सहित कई सीटें बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां से कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। चौथे फेज के चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन था और इस दौरान आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं को संबोधित किया। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के बावजूद आज तक केंद्र और राज्यों ने काम नहीं किया है। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने को लेकर क्या कदम उठाए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है परवेज आलम, प्रिया यादव ऑफिशियल, खुशबू कुमारी, नन्नू कुमार, अविनाश राज, गजेंद्र सिंह, उमा शंकर, अनुज यादव, कुश कुमार यादव, अनुज कुमार, दिलीप राणा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में जीत के साथ सीरीज का आगाज करेगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।